दौर में जहां हर प्रत्याशी जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करता है, वहीं हकीकत यह है कि बीते लंबे समय से प्रदेश पानी की समस्या से जूझ रहा है। जब मानसून हुआ बेरुख, गहलोत बने थे फरिश्ता, गर्मियों में पानी की आपूर्ति कराई थी सुनिश्चित, प्यास से तड़पते लोगों को मिला था जल, हजारों टैंकरों से गहलोत ने कराया था पानी सप्लाई। चाहे प्रदेश की गांव या ढाणियां हो या राजधानी जयपुर, पानी की किल्लत ऐसी है कि कई बार जनता सड़क पर आकर भी विरोध जता चुकी है। वहीं कुछ जगह जहां पानी की सप्लाई हो रही है वहां दूषित जल की शिकायत लगातार मिलती है। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में राजधानी जयपुर में दूषित जल के कारण एक मासूम को बेवक्त ही काल का ग्रास बनना पड़ा। यह इकलौता मामला नहीं है, प्रदेश में हजारों मामले सामने आ चुके हैं। पानी की समस्या है, देखो गांव में गंदगी है, समय पर पानी नहीं आता है। लेकिन पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पेयजल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। गहलोत के कार्यकाल में जब मानसून की बेरुखी के कारण आम जनता को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा तो गहलोत ने फरिश्ते बनकर 21,000 गांव में टैंकरों से जलापूर्ति की। यह अपने आप में रिकॉर्ड योग्य कार्य था। गहलोत के कार्यकाल में ही नवीन जल नीति जारी की गई। आज भी जब लोग उस समय को याद करते हैं तो उनके दिलो दिमाग से एक ही पुकार उठती है कि इस बार फिर से गहलोत को मुख्यमंत्री का पदभार संभालना चाहिए। आशाएं खिलेंगे।